नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में IQ Z9 Lite 5G वर्सेस POCO C61 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9 Lite में 6.44 इंच जबकि C61 में 6.63 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Z9 Lite में 2.98 इंच जबकि C61 में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9 Lite में 185 ग्राम जबकि C61 में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Z9 Lite से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z9 Lite में LCD जबकि C61 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9 Lite में 6.56 इंचेस जबकि C61 में 6.71 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9 Lite में 720x1612px HD Plus और C61 में 720x1650px HD Plus मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9 Lite में 84.01% जबकि C61 में 83.34% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9 Lite में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि C61 में 268 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9 Lite में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और C61 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9 Lite में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और C61 की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9 Lite में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और C61 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9 Lite में माली G57MC2 जबकि C61 में पावर VRGE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9 Lite में MediaTek Dimensity 6300 और C61 में MediaTek Helio G36 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z9 Lite में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि C61 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z9 Lite में 2 कलर्स जबकि C61 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9 Lite में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें C61 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 6,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो IQOO Z9 Lite 5G में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें POCO C61 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में C61 आगे है, मेन कैमरा में Z9 Lite आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z9 Lite आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y58 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।